दिल की मिट्टी सेफ्टी आपकी स्वागत है फ्रेंड्स। वेल्डिंग टेक्निक छोटा बड़ा सभी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्टील जुड़ने के लिए एकमात्र जरूरी तरीका है। यह प्रोफेशन में बहुत संख्या में लोग जुड़ा हुआ है। छोटा छोटा लोहा टुकड़ा की जुड़ के बहुत बड़ा स्टील की स्ट्रक्चर बनाना चमत्कार से कम नहीं है। वेल्डिंग बिना लोहे को जुड़ना नामुमकिन है। आज पूछा है एक्सपर्ट वेल्डर के पास, आइए जानेंगे कैसे वेल्डिंग होता है और उसी के वक्त क्या क्या सतर्क लेना पड़ता है। चलिए फैब्रिकेशन वर्ल्ड में। मेरा नाम है ओर्घो देवनाथ, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ओर्घो, आप बताइए, जब कोई गैस कटर बा वेल्डर गैस कटिंग और वेल्डिंग काम करता है, अच्छा, तो गैस कटिंग और ये सब काम में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है? तो गैस कटिंग और वेल्डिंग का में सबसे पहले जो प्रिकॉशन है वो है हैंड ग्लव्स और आपका आंख में गूगल्स, क्योंकि हैंड ग्लव्स और गूगल्स अगर रहेगा तो बाबरी जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। सेफ्टी शू तो और सेफ्टी हेलमेट तो कंपलसरी है ही, वो तो लगेगा ही, लेकिन ये दोनों पहले चाहिए। और जो इक्विपमेंट में जो हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा देखना चाहिए। जो वेल्डिंग मशीन में जो हम लोग जो केबिल जो ट्रांसफार्मर से आ रहा है वो केबिल कैसा है वो देखना चाहिए। कभी कभार जो ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, ट्रांसफार्मर थोड़ा आग जल जाता है केबिल का शॉर्ट होने की वजह से, वो देखना जरूरी है कि केबिल ठीक है या गलत है। जहां से हम कनेक्शन ले रहे हैं ट्रांसफार्मर का वो कनेक्शन कैसा है, उसमें कुछ दिक्कत है या नहीं है, ये सब कुछ वेल्डिंग में ध्यान रखना चाहिए जी। ये सबसे पहली बात। गैस कटर में ऑक्सी कटर में आपका जो है गैस कभी भी लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गैस कटर कर रहा है वहां पे जो बाबरी निकल रहा है वहां पे थोड़ा सा अगर बाबरी इधर से उधर हो गया ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना चाहिए, जे टाइट करके उसको लगाना चाहिए, कोई भी एक बूंद भी गैस बाहर नहीं निकलना चाहिए जी। तो अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हम लोग मेंटेन करके चलेंगे तो हमारा लेबर भी सुरक्षित रहेगा और हमारा काम बहुत तरीके से बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेसफुल होगा। हमने बात कर रहे थे इधर के वेल्डर जो बहुत दिन से वेल्डिंग काम में गैस कटिंग काम में व्यस्त रहता है, प्रकाश, तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सूर्य प्रकाश है। आप कितना साल से वेल्डिंग का काम कर रहे हैं? मेरे को 11 साल हो चुके हैं। अच्छा, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं ना इंडस्ट्रियल में भी काम किया है? मैंने सर दोनों किया है। अच्छा, आपका काफी एक्सपीरियंस है जी। इसके उन्होंने कुछ सवाल हम लोग पूछ लेता हूँ। अच्छा प्रकाश, आप बताइए, जो वेल्डिंग करने के लिए एक वेल्डर को पहले क्या क्या मतलब प्रिकॉशन लेने पड़ता है? वेल्डिंग करने के लिए सर्वप्रथम सर हमको मतलब हमको कुछ वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। वस्तुएं जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हैंड ग्लव्स, ठीक है। मेरे पास ये जो ग्लव्स है ये कॉटन का ग्लव्स है, इसके लिए एक लेदर का ग्लव्स आता है, वो ग्लव्स चाहिए। उससे क्या है कि हमारा जब ये रॉड जो होती है ना, ये हमारी बॉडी से माइनस जब प्लस में टच होती है तो ग्लव्स जो होगा वो करंट नहीं लगेगा, उससे हमारी बॉडी को सेफ रखेगा वो ग्लव्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा ये हेलमेट, इसे वेल्डिंग हेलमेट बोलते हैं। हाँ। आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में। हाँ। इसमें ग्लास लगा हुआ है, ब्लैक कलर का ब्लैक ग्लास है ये, और वेल्डिंग जो है हम इसी के आधार पर करते हैं, इसी से देखते हैं। अच्छा प्रकाश, आप बताइए, देखिए एक जो वेल्डर होता है छोटा छोटा लोहे टुकड़ा को जुड़ के बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना देता है। हाँ। और वेल्डर लोगों को मानता है जो वो भगवान विश्वकर्मा का दूसरा स्थान में ही है। हाँ। तो ये हिसाब से आपने जो इतना साल काम किया इसने आपको सबसे हार्ड वर्क कहाँ लगा और क्या क्या आपको इंटरेस्टिंग मिला, थोड़ा सा बताइए। सर सबसे हार्ड वर्क जो है मुझे ये वेल्डिंग का लगा, ये वाला जो मेरे ये वेल्डिंग मेरे हाथ में हो। इसके लिए आग के तो बहुत खराबी होता है, आग के लिए आपको क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मुझसे भी। ये जो आग का जो प्रॉब्लम होता है, वेल्डर जो होता है वो
अगर इस चीज का ध्यान नहीं देगा ना, ये मेरे हाथ में, अगर इस चीज को हाथ ध्यान नहीं देगा, सेफ्टी फर्स्ट नहीं करेगा, तो ज्यादा नहीं 2 साल के अंदर वो आंख से अंधा हो सकता, होना ही होना है सर, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग प्रिकॉशन लेता है ना, वेल्डिंग जैसा ब्लैक ग्लास, वेल्डिंग हेलमेट और हैंड ग्लोव्स है, और एक चीज है, आप लोग वेल्डिंग तो इलेक्ट्रिक पोजीशन में करता है, तो इसके लिए बगल में तो आपको फायर का, अगर किसी कारण में आग लग गया, फायर का सिलेंडर रखना जरूरी है, वो आप लोग प्रोवाइड करता है कि नहीं करता? जी सर, हम वेल्डिंग जैसे मान लो हमें इस कोने पे वेल्डिंग करनी है इधर, तो हम यहाँ पे पानी की बाल्टी भर के रखते हैं और एक फायर सिलेंडर। हाँ, फायर सिलेंडर जैसे छोटा मोटा आग लग गया, हाँ, तो उसके लिए पानी का बाल्टी यूज कर दिया, हाँ, और ज्यादा लग गया तो उसके लिए फायर सिलेंडर ही हम इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। अच्छा प्रकाश बताइए, आप लोग जो वेल्डिंग करता है, छोटा छोटा लोहा टुकड़ा को जोड़ के बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना देता है, ये काम में आपको पास अभी कितना कितना वेल्डर प्रशिक्षण लिया है? मेरे पास सर 12 वेल्डर हैं अभी फिलहाल, मैं इस साइड पे यहाँ पे फोरमैन हूँ, और मेरे पास मतलब 12 वेल्डर हैं और 7 कटरमैन हैं, और उसके बाद में 6 कल्लासी हैं, 4 फिटर। आप हर वेल्डर को क्या मैसेज देना चाहता है अपना सेफ्टी के लिए? सर मैं तो वेल्डर से बस यही बोलूंगा, काम थोड़ा चेक कम करो, लेकिन द सेफ्टी इज फर्स्ट। मतलब शुद्ध भाषा में कहूँ तो मैं कि वेल्डिंग करते समय ये हेलमेट, सतर्कता हिसाब से वेल्डर को क्या करना चाहिए? वेल्डर को पहले तो अपना कनेक्शन जो वेल्डिंग मशीन है वो सही कंडीशन है कि नहीं, वो चेक करना है। उसके बाद कनेक्शन सही है कि नहीं, वो चेक करना है। केबल कहीं डैमेज है कि नहीं, वो चेक करना है। और वो प्रॉपर प्लेस में रखा है कि नहीं, पानी तो नहीं है उस जगह पे, वो भी चेक करना है। और स्विच ऑन करने से पहले इलेक्ट्रिशियन से पूछना भी है, सही से तीनों फेज आ रहा है कि नहीं है उसमें। और जब ऑन करेगा, ऑन करने के बाद अब अपना वो जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव का जो लीड होता है उसको भी चेक करेगा, प्रॉपर है कि नहीं है वो। उसके बाद हैंड ग्लोव्स पहन के, शू पहन के, वो अपना जो भी है एक्टिंग पॉइंट देख के अपना लीड को। इसका मतलब यही है, जो एक वेल्डर को वेल्डिंग मशीन स्टार्ट करने का पहले ये सब सारे वगैरह के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। हाँ, और दूसरा नंबर बात है, इसको वेल्डिंग मशीन टच करने का पहले भी ये सब ध्यान रखना चाहिए। हाँ, वो सब देखना। उस टाइम मैंने बताया था कि वेल्डिंग प्लस माइनस, तो हमारा इसमें हमने पॉलीएथिलीन लगा रखी है, मतलब वहां से माइनस हमने इसमें प्लस कर रखा है और प्लस मेरे हाथ में ही है। अब मैं इसको वेल्डिंग किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हमारा ये जो मैं सर पे लगाया हूँ इसे हेलमेट बोलते हैं, इसके बिना वेल्डिंग करना मतलब ठीक नहीं होता, इसको ही लगा के वेल्डिंग करें ज़्यादातर, क्योंकि आँख का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं इस किस तरीके से करता हूँ वो थोड़ा इधर देखते हैं।